यूपीपीसीएस 2023 के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मित्रों, आप जुड़े हैं डीपीआईएस यूट्यूब चैनल से, और डीपीआईएस यूट्यूब चैनल से आप जुड़े तो हैं, क्लासेस भी ले रहे हैं, लेकिन डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो डीपीआईएस यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है, आपका अपना परिवार है, आप डीपीआईएस परिवार के सदस्य हैं, तो आप अपने इस सदस्यता को बनाए रखें परिवार के साथ। आपको अधिकतम चीज़ें आपके हेल्प के लिए, आपके परीक्षा के लिए, आपकी जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जाती है, और आप जानते हैं कि आपका सबसे विश्वसनीय आंकड़े, सबसे विश्वसनीय न्यूज़, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित कोई भी जानकारी होती है, सबसे पहले आप तक पहुंचती है डीपीआईएस के माध्यम से। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप ज़रूर इसका लाभ ले रहे होंगे, अगर नहीं जुड़े हैं, अगर आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, तो आप परमानेंट जुड़िए हमारे साथ। और आइए, आज देखते हैं यूपीपीसीएस की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं, जहाँ से 100% क्वेश्चन आने हैं, और समझ लीजिए कि चाहे देखिएगा पेपर आउट रहेगा, आउट रहने का मतलब क्वेश्चन आउट रहेंगे, मतलब पेपर में क्वेश्चन रहेंगे यहाँ से, तो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप देख रहे हैं इसमें घटनाचक्र और भी कई पुस्तकों के जो कृषि उत्पादन हैं उनका भी आंकड़ा हमने देखा है, तो आंकड़े लगभग लेटेस्ट हैं, 2021-22 तक के आंकड़े हैं। तो आते हैं, देखते हैं, सबसे पहले हम भारत के संबंध में देखते हैं कृषिगत आंकड़े हैं, कृषि से संबंधित आंकड़े हैं, और मुझे लगता है कि इस बार तो यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं, देखते हैं चावल के उत्पादन में, देखते हैं अगर हम चावल के उत्पादन की बात करें, ठीक है, चावल के उत्पादन की हम बात करें तो चावल आप जानते हैं कि इसके लिए पहला पश्चिम बंगाल है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा आपका पंजाब है, तो ये आंकड़े लगातार वही बने हुए हैं, इन आंकड़ों में कोई बहुत ज़्यादा नहीं आया है, उत्पादन ये है, ठीक है, और कितना प्रतिशत अखिल भारतीय स्तर पर इनका उत्पादन होता है, लगभग 12.87% होता है चावल का उत्पादन कुल अखिल भारतीय स्तर पर, और 11.72% है, देखिए बिल्कुल माइनूट अंतर है दोनों में, ठीक है, इसमें भी 16.76%, ये भी 16.27% है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आंकड़े बिल्कुल लेटेस्ट करीब करीब पहुंच रहे हैं, और ये आपका है पंजाब का है 12.89% है, और अखिल भारतीय स्तर पर जो इसका उत्पादन है ये 9.89% है, ठीक है। तो ये रहा है, आप इसको याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ये तीनों आंकड़े हैं। आते हैं गेहूं के संबंध में, देखते हैं अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर बना हुआ है, नंबर दो पर मध्य प्रदेश आ गया, नंबर तीन पर पंजाब आ गया, पहले ये पंजाब हुआ करता था, अब नंबर दो पर मध्य प्रदेश आ गया है, तो मध्य प्रदेश भी तेजी से बदल रहा है अखिल भारतीय स्तर पर, ये स्थिति है। अगर हम देखें तो 33% देश भर के कुल उत्पादन का 33%, ठीक है, उत्पादन कहाँ होता है, 33.05 मिलियन टन उत्पादन कहाँ हुआ उत्तर प्रदेश में, और अखिल भारतीय स्तर पर कुल 31.77%, ठीक है, कुल आंकड़े हैं इसके, कुल हिस्से हैं उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय स्तर पर, तो उत्तर प्रदेश हो गया नंबर एक, नंबर दो पर मध्य प्रदेश हो गया, नंबर तीन पर आपका पंजाब हो गया, तो ये हो गया। अगर आप देखते हैं मक्का की बात करते हैं, हम आते हैं देखते हैं मक्का की बात करें, क्योंकि मोटे अनाजों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, आप जानते हैं इस बार मोटा अनाज बड़ा इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से प्रश्न आपके पूछे ही जाएंगे, मोटे अनाज से संबंधित क्वेश्चन आपके रहेंगे ही रहेंगे, 100% रहना ही रहना है, ठीक है। तो ये मान करके चलिए ये प्रश्न यहाँ से आपका पूछा ही जाएगा। अब मोटे अनाज की हम बात करें तो मक्का आता है आपका, मक्का में नंबर एक पर कर्नाटक है, ऐसे याद रखिएगा, कासे मक्का कर्नाटक, नंबर एक पर कर्नाटक, नंबर दो पर है मध्य प्रदेश, नंबर तीन पर है महाराष्ट्र, तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। कुल उत्पादन का 5.22%, कुल उत्पादन का 4.57% और कुल उत्पादन का 3.53% अखिल भारतीय स्तर पर ये है उत्पादन। ठीक है, आते हैं ज्वार के उत्पादन में, आते हैं
ज्वार की हम बात करें तो नंबर एक पर आपका कर्नाटक है, नंबर दो पर आपका महाराष्ट्र है, नंबर तीन पर आपका तमिलनाडु है। ठीक है, ये है। तो मक्का आपका हो गया, ज्वार, बाजरा, ये सब आपके क्या हैं, सब मिलेट्स हैं, सब मोटे अनाज हैं। और मोटे अनाजों के बारे में प्रश्न इस बार 100% पूछा जाना है, क्योंकि बहुत चर्चित में रहा, श्री अन्न के रूप में जाना जाता है, ये सब आपके श्री अन्न हैं, गरीबों के अन्न हैं, और इसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। ठीक है, तो सबसे पहले कर्नाटक हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, यानी कर्नाटक अगर आप आंकड़ों में देखोगे तो कर्नाटक, कर्नाटक के ऊपर महाराष्ट्र और नीचे क्या है, तमिलनाडु है। तो इस तरीके से आप देखोगे। आते हैं बाजरा के बारे में देखते हैं। बाजरा में नंबर एक पर आपका है राजस्थान है, दूसरे पर है उत्तर प्रदेश है, तीसरे पर आपका हरियाणा है। ये आपका आंकड़ा है। नंबर एक पर राजस्थान, नंबर दो पर उत्तर प्रदेश, नंबर तीन पर आपका हरियाणा है। ठीक है, तो मक्का हो गया, ज्वार हो गया और बाजरा हो गया, ये हो गए आपके। चलिए आते हैं कुल न्यूट्रिएंट्स, कुल मोटे अनाज की हम बात करते हैं। अगर अगर हम कुल मोटे अनाज की बात करें तो कुल मोटे अनाजों में आपका कर्नाटक हो गया, राजस्थान हो गया और महाराष्ट्र हो गया। सबसे अधिक मोटे अनाज कहाँ होते हैं, कर्नाटक में होते हैं, उसके बाद फिर राजस्थान आता है, फिर महाराष्ट्र आता है। तो इस तरीके से मोटे अनाजों की अगर हम बात करें तो मोटे अनाजों का जो कुल आंकड़ा है वो इस प्रकार से है। मोटे अनाजों में कर्नाटक नंबर एक पर है, नंबर दो पर राजस्थान है, नंबर तीन पर महाराष्ट्र है। ठीक है, तो मित्रों ये रहे हैं प्रमुख आंकड़े, कुल मोटे अनाजों के संबंध में हो गया और चावल और गेहूं के संबंध में हो गया। 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। इन आंकड़ों को आप चाहो तो कोटेशन में भी कर सकते हो, इनका अपना अपना कोड भी बना सकते हो। जैसे मान लिया आपका कुल मोटे अनाजों में उत्पादन में KRM कर सकते हो, इसको आपका KRM हो गया, KRM हो गया। आप अपने सुविधानुसार इसको बना लीजिए, कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश ना समझ लीजिएगा, महाराष्ट्र समझ लीजिएगा, तो MH कर दीजिएगा। ठीक है, बाजरा में ज्वार बाजरा जरूर देख लीजिएगा, हमें लगता है कि यहाँ से इन तीनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन तीनों चारों में से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों चारों में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, मक्का, बाजरा, ज्वार और कुल न्यूट्रिएंट्स मोटे अनाज हो गए। चलिए आगे आते हैं। अरहर की हम बात करें, दालों में आ जाते हैं। अगर हम अरहर की बात करें, अरहर का मतलब यहाँ दालों से है, तूर इसको कहा जाता है। ठीक है, तो अरहर दालों में से नंबर एक पर है महाराष्ट्र है, नंबर दो पर कर्नाटक है, नंबर तीन पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अखिल भारतीय स्तर पर यह, तो पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, हम अगर चना की बात करें तो चना देखिए महाराष्ट्र हो गया, पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, अब चना पर महाराष्ट्र हो गया, दूसरे पर आ गया मध्य प्रदेश हो गया, बहुत ही अंतर है, बहुत मानूट अंतर है, तीसरे पर आपका राजस्थान होगा। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, अब मध्य प्रदेश के स्थान पर कौन हो गया, महाराष्ट्र होगा नंबर एक पर, नंबर एक पर महाराष्ट्र होगा, नंबर दो पर मध्य प्रदेश होगा, नंबर तीन पर राजस्थान होगा। तो आप यहाँ पर MMR, ठीक है, इस तरीके से आप कुछ आंकड़ा बना सकते हैं अपने आप में, लेकिन MH चूँकि पहला महाराष्ट्र है इसलिए बनाइएगा तो बहुत सोच समझ करके बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके इस तरीके से हो सकते हैं, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए चना हो गया, अरहर हो गई, चना हो गया, अब आते हैं हम आपके अगले इस पर आते हैं। कुल दालों में अगर हम देखें, ये भी UPPCS में प्रश्न पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखिएगा, UPPCS का हिट क्वेश्चन है, पूछा गया है। ठीक है, कुल उत्पादन, कुल दालों के उत्पादन में अगर हम कुल दालों के उत्पादन की बात करते हैं तो कुल दालों के उत्पादन में नंबर एक पर आपका है मध्य प्रदेश है, नंबर दो पर महाराष्ट्र, तीसरे पर राजस्थान है। ठीक है, ये है आपका आंकड़ा। ऑल इंडिया लेवल पर भी हम कुल देखें तो ये है। तो कुल दालों के उत्पादन में अगर हम देखें तो कुल दालों के उत्पादन में नंबर एक पर कौन आता है, मध्य प्रदेश आता है, नंबर दो पर महाराष्ट्र आता है, नंबर तीन राजस्थान आता है। इसको भी आप अपने सुविधानुसार, ठीक है, MMHR करके आप बना सकते हैं, इसको भी अपना एक कोटेशन बना लीजिएगा, ये आपको अपने से बनाना है। कुल खाद्यान्न की अगर हम बात करें, कुल खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। कुल खाद्यान्न की हम बात करें तो कुल खाद्यान्न में आपका उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है, नंबर दो पर मध्य प्रदेश है, नंबर तीन पर आपका पंजाब है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, ये है आपका। कुल खाद्यान्न के मामले में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब का आंकड़ा आता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कुल दालें हो गई, कुल खाद्यान्न हो गया, कुल मोटे अनाज हो गए। अब हम आते हैं तिलहन पर, आते हैं तिलहन के बारे में। देखिए तिलहन में कई बार पूछा गया है, मूंगफली और सोयाबीन इनका उत्पादन पूछा गया है, सूरजमुखी का भी उत्पादन पूछा गया है, इसलिए आप यहाँ से सजग रहिएगा। ठीक है, तो कुल तिलहन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मूंगफली आता है। मूंगफली की हम बात करें तो गुजरात, गुजरात की मूंगफली सबसे बढ़िया हो, नहीं राजस्थान की मूंगफली सबसे बढ़िया होती है, बड़ी वाली जो मूंगफली होती है राजस्थान की होती है। गुजरात सबसे बड़ा उत्पादन करता है पूरे कुल उत्पादन का, लगभग 44% उत्पादन कहाँ होता है, गुजरात में होता है। दूसरे नंबर पर राजस्थान है और तीसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु है, चौथे नंबर पर आपका क्या है, अखिल भारतीय स्तर पर आपका ये है। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्पादन तिलहन मूंगफली में, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, ये हो गया आपका। रेपसीड और सरसों की बात करें तो सरसों तो आप जानते ही हैं, कई बार एक दो बार यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया, राजस्थान में सबसे अधिक सरसों होती है, राजस्थान में नंबर दो पर है आपका, मध्य प्रदेश नंबर तीन पर, हरियाणा है, उसके बाद फिर आपका अखिल भारतीय स्तर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो रेप सीड और सरसों के मामले में राजस्थान नंबर एक पर है, नंबर दो पर मध्य प्रदेश है, नंबर तीन पर आपका हरियाणा है। सोयाबीन इंडिविजुअली क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है UPPCS में, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। UPPCS में पूछा गया सोयाबीन में आप कौन आ गया है, महाराष्ट्र आ गया है नंबर दो पर, पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, मध्य प्रदेश की जगह पर बिल्कुल मानूट अंतर है, देखिएगा आंकड़े बिल्कुल मानूट अंतर है, और क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है, बिल्कुल पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, अब हो गया है महाराष्ट्र हो गया है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और नंबर तीन पर आपका राजस्थान हो गया है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार इंडिविजुअली प्रश्न आया हुआ है, पूछा गया है इंडिविजुअली ये प्रश्न पूछा गया, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपका यहाँ से आया हुआ है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपके आपकी स्क्रीन पर हो सकता है थोड़ा सा ऊना हो रहा हो, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि ये आंकड़े आपको बड़े ही विश्वसनीय तरीके से हैं। और ठीक है, चलिए ठीक है, आते हैं अब सूरजमुखी की बात करते हैं। तो सोयाबीन और मूंगफली ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सोयाबीन और मूंगफली। हम सूरजमुखी की बात करते हैं, सूरजमुखी में नंबर एक पर आपका है कर्नाटक है, नंबर दो पर आपका तेलंगाना है, नंबर तीन पर आपका उड़ीसा है। कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा, ये है आपका। कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा, कर्नाटक 0.14 और कुल 54%, मैंने कुल सूरजमुखी का 54% कहाँ आता है, कर्नाटक में ही होता है। आप जानते हैं पाम ऑयल जो भी आपके बन रहे हैं सब आपके यहीं से आते हैं। तो कर्नाटक हो गया, तेलंगाना और उड़ीसा, या इसका भी आप एक आंकड़ा बना लीजिएगा, KTO बना सकते हैं, KTO बना सकते हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा हो गया। इसमें आप MMR बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर MHMR बन जाएगा महाराष्ट्र, क्योंकि कन्फ्यूजन आपको पैदा हो सकता है, इसलिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान कर दीजिएगा। ठीक है, आते कुल तिलहन के उत्पादन की अगर हम बात करें, कुल तिलहन के उत्पादन की बात करें तो उसमें राजस्थान नंबर एक पर है और नंबर दो पर मध्य प्रदेश है, नंबर तीन पर गुजरात है। ठीक है, कुल तिलहन के उत्पादन में नंबर एक आपका राजस्थान है, नंबर दो पर आपका मध्य प्रदेश है, नंबर तीन आपका गुजरात है। तो ये है मित्रों 100%, मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एक या दो प्रश्न अगर आप यहाँ से तैयार कर लेते हैं तो 1+1=2 प्रश्न तो आपके यहाँ पर मिलेंगे। जैसे यहाँ से अक्सर प्रश्न मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से मोटे अनाजों में से तो पूछा ही जाएगा, यहाँ से तो पूछा ही जाना है। अब ऐसे नहीं कह रहे हैं कि पेपर सेटर कोई उल्टा सीधा पेपर सेट कर दिया हो, लेकिन अगर पेपर सेटर बढ़िया है तो ज़रूर यहाँ से पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित कर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है, तो अब ज्वार, बाजरा और मक्का, इनके बारे में तो प्रश्न पूछा ही जाना चाहिए। चलिए आते हैं अगले, नगदी फसलों की बात करते हैं। तो नगदी फसलें हमारी दो हैं। ठीक है, आते हैं सबसे पहले गन्ने पर आते हैं, जो हमारी नगदी फसलें हैं। तो उस नगदी फसलों में हम देखें, नगदी फसलों में सबसे पहले आपका आता है गन्ना आता है, और गन्ने में नंबर एक पर उत्तर प्रदेश है, नंबर दो पर महाराष्ट्र, नंबर तीन पर कर्नाटक है। ध्यान रखिएगा,
नंबर एक पर क्या है आपका उत्तर प्रदेश है, नंबर दो पर महाराष्ट्र, नंबर तीन पर कर्नाटक है। तो ये तीनों राज्यों के बारे में ध्यान रखिएगा। अब देखिए दूध के उत्पादन में जैसे उत्तर प्रदेश हुआ करता था, लेकिन अब दूध के उत्पादन में भी जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं दूध के उत्पादन में राजस्थान नंबर एक पर आ गया है। तो इसलिए आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं, हालांकि आंकड़े आपके 2021-22 के उस पर आधारित हैं, तो लेटेस्ट आंकड़े हैं, ठीक है। तो गन्ना में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है, नंबर दो पर महाराष्ट्र, नंबर तीन पर कर्नाटक है, ठीक है। और वैसे भी घटना चक्र की जो आर्थिकी होती है काफ़ी कुछ अच्छी रहती है। देखते हैं कपास, कपास में नंबर एक पर है गुजरात है, नंबर दो पर महाराष्ट्र, नंबर तीन पर तेलंगाना है। अब देखिए यहाँ पर भी आंकड़े बनते बिगड़ते रहते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र कभी आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र पहले हुआ करता था, गुजरात आ गया है, तो काफ़ी दिन से गुजरात आगे चल रहा है, तेलंगाना तीसरे नंबर पर आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे ये आपके हुए, ठीक है, गन्ना और कपास ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी हम देखते हैं तंबाकू है, जूट है, और भी नकदी फसलें हैं, लेकिन गन्ना और कपास के बारे में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। कपास में जैसे उच्च उच्च श्रेणी की जो कपास होती है, थोड़ा सा मध्यम श्रेणी की कपास होती है, इसको आप जानते हैं क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, व्हाइट गोल्ड कहते हैं इसको, सफ़ेद सोना कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको देखते रहिए। चलिए आगे देखते हैं, जूट और, ठीक है, जूट के बारे में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, नारियल और काजू के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, तो आज इसको पूरा करना है। हम जूट की अगर बात करते हैं तो जूट और पिस्ता में अगर हम देखें तो जूट और पिस्ता में नंबर एक पर आपका है पश्चिम बंगाल है, नंबर दो पर असम है, नंबर तीन पर बिहार है, ठीक है। ये है आपका जूट, जिससे आते हैं आप काटन बनता है, इससे बड़े बड़े बोरे बनते हैं और भी चीज़ें बनती हैं, कालीन भी बनते हैं। तो जूट में नंबर एक पर पश्चिम बंगाल है, नंबर दो पर असम है और बिहार है। जूट ऐसा है जिसके बारे में आप जानते हैं कि भारत के संविधान में भी इसका उल्लेख किया गया है, क्योंकि जो राज्य जूट के उत्पादन करते हैं इस राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा उनको स्पेशल यहाँ पर सब्सिडीज दी जाती है, स्पेशल उनको फैसिलिटीज दी जाती है। तो जूट ही एक ऐसा जिसका जिसका संबंध भारत के संविधान में भी किया गया है। आलू में आ जाते हैं, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर बना हुआ है, नंबर दो पर पश्चिम बंगाल है, नंबर तीन पर बिहार है, ठीक है। इस तरीके से आंकड़े इसमें आए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा नंबर एक पर उत्तर प्रदेश आलू के उत्पादन में। अक्सर प्याज भी चर्चा में रहता है, तो प्याज में तो आप जानते हैं महाराष्ट्र नंबर एक पर रहता ही है और सदैव से रहा है, नंबर एक पर महाराष्ट्र, नंबर दो पर मध्य प्रदेश है, नंबर तीन कर्नाटक है। यानी आप देख रहे हैं हर लगभग हर उत्पादन में मध्य प्रदेश धीरे धीरे क्या कर रहा, ग्रो कर रहा है। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक हो गए प्याज में, आलू में हो गया आपका उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया। अब आते हैं नारियल के उत्पादन में, नारियल के उत्पादन की हम बात करें तो पहला है आपका केरल है, बहुत दिन से केरल जी चल रहा है, फिर तमिलनाडु है और फिर कर्नाटक है, ठीक है। नारियल के उत्पादन में केरल है, तमिलनाडु है और आपका कर्नाटक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कुल 33% जो है केरल में ही होता है नारियल, ठीक है। तो ये आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण हैं मित्रों, आप देख रहे हैं DPIS देवप्रयागम IAS और DPIS DP यूट्यूब चैनल, DPIS यूट्यूब चैनल के साथ आपको जुड़े रहना है, ऐसे सभी आंकड़ों विश्वसनीय आंकड़ों के साथ आपको अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते रहना है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसे तेज़ी से आगे बढ़ाने का प्रयास करें, आप भी जुड़ें और भी लोगों को जोड़ें, इससे क्या होगा कि आपकी जो ज्ञान की वृद्धि वो बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि आपको फर्जी चीज़ें यहाँ नहीं बताती हैं, आपको जो भी चीज़ें यहाँ पर दी जाएंगी वो बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ें होंगी, बड़ी विश्वसनीय चीज़ें होंगी, क्योंकि आप जानते हैं अभी प्रीलिम्स के साथ साथ हमारा UP स्पेशल का मेंस के बैचेज भी शुरू हो रहे हैं, आप उसको भी ऑनलाइन हमारे चाहे जहाँ पर भी आप दिल्ली में बैठे भाई और भी देश व प्रदेश में कहीं पर भी आप हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप DPIS के माध्यम से आप हमारे प्रीलिम्स और मेंस सभी बैचेज के साथ आप जुड़ सकते हैं। आते हैं देखते हैं आगे, नारियल हो गया, काजू में देखते हैं, ठीक है। काजू में महाराष्ट्र नंबर एक पर बना हुआ है, काजू की हम बात करते हैं तो काजू में महाराष्ट्र नंबर एक पर है, नंबर दो पर आंध्र प्रदेश है, नंबर तीन पर उड़ीसा है, ठीक है। ये है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहा आपका नकदी फसलों का उत्पादन रहा,
आगे और भी है, उसको भी देखते हैं। यह है आपका फलों के उत्पादन में, देखें कुल फलों के उत्पादन में किसकी क्या स्थिति रही है, कुल फलों के उत्पादन में और कुल सब्जियों के उत्पादन में, यह प्रश्न पूछा गया है। यह प्रश्न UPPCS का बड़ा हिट क्वेश्चन रहा है। कुल फलों के उत्पादन की अगर हम बात करें तो कुल फलों के उत्पादन में उत्तर आंध्र प्रदेश नंबर एक पर है, महाराष्ट्र नंबर दो पर है और उत्तर प्रदेश नंबर तीन पर है। इस तरीके से अखिल भारतीय स्तर पर हम ये देखते हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की स्थिति देखते हैं। कुल सब्जियों के उत्पादन में हम देखें नंबर एक पर पश्चिम बंगाल है, नंबर दो पर उत्तर प्रदेश है, नंबर तीन पर ये है आपका, ठीक है। तो कुल सब्जियों के उत्पादन में नंबर एक पर पश्चिम बंगाल हो गया है, पहले उत्तर प्रदेश हुआ करता था, कुल सब्जियों के उत्पादन में ये हो गया है, ठीक है। बहुत थोड़ा सा माइनूट अंतर है। कुल फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों आंकड़े वेरी इंपॉर्टेंट ये UPPCS में पूछे गए हैं, इन आंकड़ों को ध्यान रखना। कुल फलों का उत्पादन और कुल सब्जियों का उत्पादन। कुल मसालों के उत्पादन की हम बात करें तो मसालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर एक पर है, गुजरात नंबर दो पर है, ठीक है। ये है कुल मसालों का उत्पादन, पूछा नहीं गया है लेकिन ये दोनों पूछे गए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। सुपारी का उत्पादन नहीं पूछा गया है लेकिन मान लिया पूछा जा सकता है, कर्नाटक नंबर एक पर है, केरल नंबर दो पर है, असम नंबर तीन पर है, अखिल भारतीय स्तर पर ये है, ठीक है। आते हैं देखते हैं कोकोवा की हम बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो कोकोवा की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश नंबर एक पर है, केरल नंबर दो पर है और कर्नाटक क्या है नंबर तीन पर है, ठीक है। आंध्र प्रदेश नंबर एक पर, केरल नंबर दो पर और कर्नाटक, ये आपका कोकोवा की बात है। चलिए ये आंकड़े आपके हो गए, बड़े महत्वपूर्ण आंकड़े थे, बड़े ही ऑथेंटिक आंकड़े थे। इनके माध्यम से आप देखोगे आपका सबसे बेहतरीन आपकी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी, आपकी प्रिपरेशन सबसे बेहतरीन तैयारी होगी। अब देखिए अगर हम कुल खरीफ फसलों का उत्पादन, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको छोड़ दीजिए, आपको याद भी नहीं रहेगा, इनको आप छोड़ दीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है मित्रों। तो ये हम लोगों ने देखा कृषि का उत्पादन था, भारत में कृषि का उत्पादन रहा है, हम लोगों ने कृषिगत उत्पादन को भारत के संदर्भ में देखा है। अब हम लोग देखेंगे कृषिगत उत्पादन को विश्व के संदर्भ में भी अगर चाहें तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं इसमें देखना, इसमें कुछ थोड़ा सा देखना है, हालांकि अभी इसमें दो पॉइंट छूट गए क्या, इसमें आंकड़े में नहीं दिए गए हैं, उसमें है चाय का, चलिए कुल कृषिगत उत्पादन में हम देखें। अभी हमें फलों का उत्पादन भी दिखाना है, फलों के उत्पादन के में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो फलों के उत्पादन में भी हम आएंगे। सबसे पहले एक बार हम लोग देख लें वैश्विक उत्पादन में, अगर हम देखते हैं तो 2021 के लिए आंकड़े के आधार पर है, हालांकि जो आपका PDF है PDF में बहुत स्पष्ट नहीं, चीज़ें क्लियर नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ से नहीं पूछा जाता, यहाँ पर मान लिया पूछ लिया गया, बहुत पूछ लिया गया तो आपका पूछ लिया जाएगा, आपका चावल का हो जाएगा, गेहूं का हो जाएगा, मक्का का हो जाएगा और आपका दलहन हो जाएगा, मूंगफली हो गया और फिर सोयाबीन हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया, ये पूछे जा सकते हैं। तो खास खास देख लेते हैं, चावल के बारे में देखें तो चीन नंबर एक पर है और भारत नंबर दो पर है, बहुत दिन से बना हुआ, नंबर तीन पर बांग्लादेश है, नंबर चार पर इंडोनेशिया, नंबर पाँच पर वियतनाम है।
नहीं, यही ये पुराने आंकड़े अभी तक चल रहे हैं। चीन, भारत, बांग्लादेश, ये लगातार चल रहा है। चीन नंबर एक पर बना हुआ है। ठीक है, गेहूं में भी देखें तो यही सेम आंकड़ा है, थोड़ा सा इधर बदल जाता है। गेहूं में भी चीन नंबर एक पर है, दूसरे पर भारत है, तीसरे पर रूस आ जाता है, चौथे पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, पाँचवें पर फ्रांस आ जाता है। मक्के में देखें तो मक्का में आप जानते हैं सबसे अधिक मक्का कहाँ होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, फिर चीन में होता है, फिर ब्राज़ील में होता है, फिर अर्जेंटीना में होता है। जौ, ज्वार, बाजरा की हम बात करें, जौ की बात करें, देख लेते हैं इसमें, चूंकि मोटा अनाज है तो रूस नंबर एक पर है जौ के मामले में। इसमें चूंकि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो इसलिए ध्यान रखना है। मक्का के उत्पादन में यूक्रेन पाँचवें नंबर पर है। जौ के उत्पादन में रूस नंबर एक पर है, ऑस्ट्रेलिया नंबर दो पर है, फ्रांस नंबर तीन पर है, जर्मनी नंबर चार पर है, यूक्रेन पाँचवें नंबर पर है। तो मक्का के उत्पादन में भी यूक्रेन पाँचवें नंबर पर, जौ के उत्पादन में भी पाँचवें नंबर पर है। ज्वार की हम बात करते हैं तो नंबर एक पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, नंबर दो पर नाइजीरिया है, नंबर तीन पर भारत है, नंबर चार पर इथोपिया है, नंबर पाँच पर मैक्सिको है। यानी मोटे अनाजों में संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पर आपका आ जाता है, कहाँ पर, ज्वार में आ जाता है। ठीक है, दलहन के उत्पादन में करें तो दलहन के उत्पादन में भारत, यानी भारत सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। दलहन का, दाल का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी क्या है, भारत ही है, तो उपभोक्ता भी और उत्पादक भी है। दूसरे नंबर पर आपका पोलैंड है, तीसरे पर आपका फ्रांस है, चौथे पर स्पेन है, पाँचवें पर आपका मोजाम्बिक है। हम मूंगफली की बात करें, छिलकाई मूंगफली में ये पूछा गया है। ठीक है, तो चीन नंबर एक पर है, भारत नंबर दो पर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम सोयाबीन की बात करते हैं। अच्छा, मस्टर्ड सीड की बात करें, मस्टर्ड ऑयल की बात करें हम, नंबर एक पर नेपाल आ जाता है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, सरसों का तेल, इसमें नेपाल नंबर एक पर आ जाता है, तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। भारत का कोई नामो निशान भी नहीं है यहाँ पर। सोयाबीन की हम बात करें, सोयाबीन पर ब्राज़ील नंबर एक पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे नंबर पर। ये आंकड़ा बदल गया, पहले संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर एक पर हुआ करता था, अब ब्राज़ील नंबर एक पर है और संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर दो पर है, अर्जेंटीना नंबर तीन पर, भारत का नंबर पाँचवा है। हम सूरजमुखी की बात करें तो सूरजमुखी पर यूक्रेन है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि सबसे अधिक पाम ऑयल हम लोग जो मंगाते हैं, जो भी महंगाई हुई थी वो कहाँ से मंगाते हैं, वहीं से मंगाते रहे हैं। तो यूक्रेन नंबर एक पर है, रूस नंबर दो पर है, अर्जेंटीना है, फिर चीन है। गन्ने के उत्पादन में ब्राज़ील नंबर एक पर है, भारत नंबर दो पर है। कपास के उत्पादन में पहले चीन हुआ करता था, भारत आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई है, ये आपकी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। गन्ना के उत्पादन में नंबर एक पर कौन है, ब्राज़ील है, नंबर दो पर कौन है, भारत है, नंबर तीन पर चीन है, नंबर चार पर पाकिस्तान है, नंबर पाँच पर थाईलैंड है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, भारत, चीन, पाकिस्तान और थाईलैंड, ब्राज़ील। कपास में नंबर एक पर भारत आ गया है, नंबर दो पर चीन हो गया है, पहले भारत, पहले चीन हुआ करता था, नंबर तीन पर ब्राज़ील हो गया है। जूट के उत्पादन में कई बार पूछा गया, भारत सदैव नंबर एक पर रहा, बांग्लादेश नंबर दो पर रहा है। ठीक है, तो ये रहे आपके वैश्विक उत्पादन रहे हैं। वैश्विक उत्पादन में हम वैश्विक उत्पादन में एक बार हम और देख लें, जूट का हो गया। आलू का उत्पादन देख लेते हैं, आलू के उत्पादन में नंबर एक पर चीन है, ये पूछा गया है, पीसीएस का ये प्रश्न है, पीसीएस में पूछा गया है ये। आलू के वैश्विक उत्पादन में नंबर एक पर चीन है, नंबर दो पर भारत है, नंबर तीन पर यूक्रेन है, नंबर चार पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्याज में देखें तो प्याज में भारत है, भारत सबसे अधिक प्याज का जो है उपभोक्ता भी और उत्पादक भी है, सबसे अधिक इम्पोर्ट भी करता है। भारत में प्याज ऐसी महत्वपूर्ण है कि सरकारें बदल देती हैं। टमाटर की बात करें तो टमाटर में चीन नंबर एक पर है, नंबर दो पर भारत है, ठीक है, नंबर तीन पर तुर्की है। सेब की बात करें, एप्पल की बात करें तो एप्पल में भी चीन नंबर एक पर है, तुर्की नंबर दो पर है, तीन पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चार पर पोलैंड है, पाँचवें पर भारत आता है। केला की बात करें तो भारत, केला भारत इसका जन्मदाता है, तो भारत नंबर एक पर है केला में और चीन नंबर दो पर है। नारियल की हम बात करें तो नारियल में इंडोनेशिया नंबर एक पर है, फिलीपींस नंबर दो पर है, भारत नंबर तीन पर है। अंगूर की बात करें तो अंगूर में चीन नंबर एक पर है, इटली नंबर दो पर है, स्पेन नंबर तीन पर है। यह है भारत का जो है सातवां स्थान है, अंगूर में बहुत पीछे हैं। संतरा की बात करें, संतरा में ब्राज़ील नंबर एक पर है, भारत नंबर दो पर है, चीन नंबर तीन पर है। चुकंदर की बात करें तो रूस नंबर एक पर है, फ्रांस नंबर दो पर है और संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर तीन पर है। मसाले की बात करें तो भारत
कुल मसालों के उत्पादन में भारत सबसे नंबर एक पर बना हुआ है। ठीक है, चाय की बात करें, यह भी प्रश्न पूछा गया है पीसीएस में, पीसीएस का प्रश्न पूछा गया है चाय, तो चीन चाय ध्यान रखना है, चीन नंबर एक पर है चाय में, नंबर दो पर भारत है, नंबर तीन पर केन्या है, नंबर चार पर ये सब हैं। कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी में नंबर एक पर ब्राज़ील है, क्योंकि ब्राज़ीलियन कॉफ़ी काफ़ी फेमस होती है, नंबर दो पर क्या है वियतनाम है। ठीक है, तंबाकू की हम बात करें, तंबाकू में चीन नंबर एक पर है, ये भी प्रश्न पूछा गया है पीसीएस में, भारत के लिए भी पूछा गया है और इसमें भी पूछा गया है। तो चीन और भारत, हालांकि हम आज जो आंकड़े हमने आपको कृषि के दिखाए हैं जो इसमें दिए गए हैं, इसमें कुछ आंकड़े नहीं है, जिसमें चाय के आंकड़े नहीं दिए गए हैं यूपी के, उसको हम आपको अलग से बताएंगे भारत में। ठीक है, तंबाकू हो गया, कोकोवा की बात करें तो इसमें नंबर एक पर है आपका आइवरे है, घाना है, इंडोनेशिया है, इंपॉर्टेंट नहीं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाँ रबर के बारे में है, रबर पर प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखना है। रबर की हम बात करें तो प्राकृतिक रबर में और दूध, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। रबर की बात करें थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम, ये होता है भारत पाँचवें नंबर पर है रबर के उत्पादन में, तो थाईलैंड नंबर एक पर है। कुल दूध के उत्पादन में भारत नंबर एक है, कहा जाता है भारत में दूध की नदियाँ बहती हैं, लेकिन फिर भी इतना महंगा है। दूसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, तीसरे पर पाकिस्तान है, चौथे पर चीन है, पाँचवें पर आपका ब्राज़ील है। ठीक है, तो ये आपके आंकड़े हैं 2020-21 तक के आंकड़े हैं जो 2021 में जारी किए गए हैं। कुल दूध के उत्पादन में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान, ये तीनों हैं। रबर के उत्पादन में भारत पाँचवें स्थान पर है, नंबर एक पर थाईलैंड है, नंबर दो पर इंडोनेशिया है, नंबर तीन पर आपका वियतनाम है। तो मित्रों, ये रहा है आपका वैश्विक उत्पादन रहा है, आप लोगों ने देख लिया, अधिकांश फसलों का उत्पादन हम लोगों ने देख लिया है, कृषि वैश्विक उत्पादन है। ये आपसे, ये सब प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाते हैं, इसमें आपको समय गंवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब प्रश्न नहीं पूछा जाते, प्रश्न केवल यही पूछा जाता है जो आ गया है। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न कोई ऐसा खास नहीं रहता, ये सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए ये रहा है, और कोई यहाँ से खास इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई भी न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने पूरा कृषि देख लिया है, भारत की क्या कृषि उत्पादन देख लिया और विश्व का कृषि उत्पादन देख लिया है, ये आपके लिए समझ लिए रामबाण है, रामबाण है, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, पूछे जाने की पूरी संभावना है।